नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल स्प्लाइसेस यानी कि इन कपलर्स के बारे में। जैसे कि आप लोग ये सैंपल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये कपलर है और इसका प्रोजेक्ट दो बार को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब आजकल के ट्रेंड में जितनी भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उनके कॉलम के जो भी बार्स होते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट रिकमेंड करता है कि ट्रेडिशनल लैपिंग को अवॉइड करके इन कपलर्स का यूज किया जाना चाहिए। अब कपलर को यूज करने के एडवांटेज क्या क्या हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वर्कमैनशिप, कॉस्ट, वेस्टेज हमारी, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कपलर्स से जुड़ी हुई हैं जिनके बारे में हर एक सिविल इंजीनियर को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मेजरली केसेज में जो भी आपके हायर डाया की लैपिंग है तो उनमें स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बोलता है कि आप ट्रेडिशनल लैपिंग को अवॉइड करके सबसे बेस्ट इन कपलर्स को यूज करें। कपलर्स को यूज हमें कैसे करना होता है, जैसे कि एक छोटा सा स्लीव है जिसके अंदर आप देख रहे हैं थ्रेड्स कर रखी हैं, और जब कभी मैं दो बार्स को, जैसे कि ये कोई दो बार हैं, तो इनके एंड पर देखेंगे आप थ्रेड कर रखी हैं, और इन थ्रेड के थ्रू इसको आप आसानी से दो बार को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इनको कनेक्ट करते हैं तो वर्टिकल पोजीशन में आप कॉलम्स में यूज में ले सकते हैं जो आपके कॉलम के बार हैं, और वहीं कोई आपकी राफ्ट है या कोई बीम्स हैं तो उनमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी इस कनेक्टर के थ्रू दो बार्स को, यानी कि इन दो बार्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो अब होता है क्या कि ट्रेडिशनल लैपिंग के लिए हमारे कुछ IS कोड की गाइडलाइंस हैं, जैसे कि IS 456 हमारा जो मेन कोड है RCC के लिए, दूसरा हमारा है IS 13920 जो हमारी रेनफोर्समेंट स्टील के लिए स्ट्रक्चरल डेलिंग के लिए यूज होता है। तो ऐसे में हमारी ट्रेडिशनल लैपिंग के लिए भी कुछ गाइडलाइन है और कपलर को यूज करने के भी गाइडलाइन है। लेकिन कपलर को यूज करना किसी भी बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे, यानी कि दोनों का कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब इन जनरल केस में अगर किसी भी सिविल इंजीनियर से पूछा जाए कि लैप लेंथ का फंक्शन क्या होता है या लैप लेंथ हमारी काम कैसे करती है, तो इसका जो जवाब है वो प्रॉपर टेक्निकल वे में बता नहीं पाते हैं या उनको पता नहीं होता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि जो लैप लेंथ होती है वो किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट में काम कैसे करती है, तो तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कपलर और ट्रेडिशनल लैप को। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जिससे कि आपको समझ में आए कि लैप का फंक्शन क्या होता है मेन। अब यहां पर मैंने लिखा है द प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड लैप लेंथ टू दी बार्स इज नेसेसरी विच इज इंश्योरिंग, जो कि इंश्योर करे द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लोड स्ट्रेस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। यानी कि जो पर्पज है हमारा कि रेनफोर्समेंट स्टील को हम स्ट्रक्चर में क्यों प्रोवाइड करते हैं, टेंशन के लिए, तो ऐसे में जो भी हमारा लोड स्ट्रेस है यानी कि जो भी टेंशन है वो हमारा इंश्योर हो जाए कि इस बार से इसमें ट्रांसफर हो ही जाएगा, और ये हमारी लेंथ उसी के हिसाब से इसमें प्रोवाइड की जानी चाहिए। ज़्यादातर के केस में जो आपकी LD होती है, डेवलपमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग, कॉन्क्रीट के ग्रेड के अकॉर्डिंग, इसको हमें प्रोवाइड कराना होता है। अब होता क्या है कि इसमें जो मेन फंक्शन है कि जो आपने इन दोनों बार्स को जब कनेक्ट किया है तो यहाँ पर आप बाइंडिंग वायर से इसको ऐसे बाइंड कर देते हो, लेकिन ये लैप बाइंडिंग वायर के बांधने से नहीं बन जाता है, क्योंकि इसमें मेन फंक्शन होता है आपकी कॉन्क्रीट का। क्योंकि इन लैप के सराउंडिंग में जो कॉन्क्रीट है उसी कॉन्क्रीट ने इन दोनों बार्स को अच्छे से पकड़ा हुआ है कि वो आपस में स्लिप ना करें। अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल लैपिंग के केस में आपने ट्रेडिशनल लैप प्रॉपर प्रोवाइड कराया, अगर इन केस मान लीजिए कि 10 साल बाद 15 साल बाद कंक्रीट डिग्रेड हो गई या डिटोरिएट हो गई, जैसे कि कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ से कि अंडर सी वाटर है, या कोई भी ऐसी एटमॉस्फेयर कंडीशन है या कोई सॉइल में आपका कोई भी कंटेमिनेशन है जिससे कि कंक्रीट आपकी कमज़ोर हो गई तो उसकी पकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी, तो उसमें इसके स्लिप होने के या इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
वहीं जो आपका ये कपलर होता है ये कंक्रीट के ग्रेड की बाइंडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो मेन जो फंक्शन है वो उसकी थ्रेड और इस स्लीप का है, और ये एंड टू एंड जॉइंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है ये परफॉर्मेंस जो स्ट्रक्चर में देता है जॉइंट होने के बाद में एज ए कंटिन्यूअस बार, तो जिससे कि क्या होता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है कंपेरिजन टू आपके ट्रेडिशनल लैप से। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा क्या होता है, अनवांटेड स्ट्रेस का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कपलर से ही रिलेटेड। अनवांटेड स्ट्रेस कैसे, अब देखिए अनवांटेड स्ट्रेस को समझने के लिए IS 456 में जो हमारे ट्रेडिशनल लैपिंग के जो रूल्स लिखे हुए हैं तो उनको समझना जरूरी है, क्योंकि कपलर कैसे आपके अनवांटेड स्ट्रेस को इलिमिनेट करेगा ये आपको तभी समझ में आएगा। जैसे कि IS 456 में जो हमारे सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट यानी कि कोई भी बीम है या कॉलम है तो आपको किसी भी एक सेक्शन पर 50% से ज़्यादा लैप प्रोवाइड नहीं करना है। अगर मैं मान लेता हूँ ये मेरा कॉलम है, अगर इसमें 20 बार्स हैं तो 10 बार को मैंने यहाँ पर लैप करना है और 10 बार को मैंने यहाँ पर लैप करना है, तो उससे क्या हो रहा है कि 50% जो आपका जो लैपिंग है वो आपकी इस वाले सेक्शन पर जा रही है और 50% लैपिंग आपकी इस वाले सेक्शन पर जा रही है। अब जैसे ही आपका ये रूल अप्लाई होता है तो इसी के साथ साथ दूसरा रूल भी एप्लीकेबल हो जाता है कि इन बार्स की आपस में यानी कि जो लैपिंग है इनमें स्टैगरिंग भी होनी चाहिए, जो कि साइट पर 80-90% केसेस में फिजिबल ही नहीं होती है, कोई भी अप्लाई ही नहीं करता है इस रूल को। इसको मैं यहाँ पर बड़ा करके बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कॉलम है और एक आपने लैप दिया है यहाँ पर और एक लैप दे रहे हो आप यहाँ पर। अब स्टैगरिंग का रूल आपका क्या कहता है कि जैसे कि एक लैप ये है जो आपका IS कोड में लिखा हुआ है इन दोनों लैप को लेकर, कि इसका जो सेंटर है लैप का और इसका जो सेंटर है लैप का ये आपका 1.3 टाइम्स होना चाहिए किसका, इस लैप लेंथ का, यानी कि जो भी आप ये लैप लेंथ प्रोवाइड कर रही हो। दूसरे केस में आप ऐसे भी कह सकते हो बहुत सारे इस जनरल नोट्स में, यानी कि ये जो लैप का एंड पोर्शन और इस लैप का एंड पोर्शन इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये 300 mm का गैप होना ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली साइड पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब अनवांटेड स्ट्रेस कैसे जनरेट हो रही है, देखिए आजकल के ट्रेंड में आपने देखा होगा जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं तो आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें सीयर वॉल्स दी जाती हैं, यानी कि सीयर वॉल्स विड्थ में आपकी 300 mm, 230, 500, मैक्स टू मैक्स 600, लेकिन उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वहीं कॉलम के सेक्शन के जो साइजेस होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसे में जब आप ये लैपिंग करते हो, क्योंकि बहुत सारी सीयर वॉल्स में 100 बार्स भी होते हैं, 80, 90, 60, 40, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोड का जो ट्रांसमिशन है वो एक बार से दूसरे बार में चलता रहता है, यानी कि लोड स्ट्रेस वहाँ पर जनरेट होती है। अब वहीं अगर उसको हमें इलिमिनेट करना है तो अगर हम वहीं कपलर को यूज करेंगे तो जो रेनफोर्समेंट स्टील का जो कंजेशन हुआ है लैपिंग की वजह से, आपके जो भी आपकी ये बीम का बॉटम है और ये स्लैब के बीच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो जाता है लैपिंग के बार्स की वजह से, तो यहाँ पर जो कॉलम के सेक्शन की जो इंटीग्रिटी है तो वो उसको भी इफेक्ट कर रहा है अनवांटेड स्ट्रेस की वजह से। तो इससे जो कॉलम की जो इफेक्टिवनेस है वो भी आपकी इम्पैक्ट होती है, लेकिन इस चीज़ को इलिमिनेट किया जा सकता है अगर हम इन लैपिंग के बजाय कपलर्स का यूज करें। कपलर हमारा क्या करेगा, रेनफोर्समेंट स्टील का जो कंजेशन है उसको वो मिनिमाइज कर देगा, यानी कि उसको बहुत कम कर देगा। तो वहाँ पर जो ये कॉलम का एलिमेंट का जो सेक्शन जो भी डिजाइन किया गया होगा वो प्रॉपर तरीके से लोड ले पाएगा, कंक्रीट का जो कॉम्पैक्शन है वो प्रॉपर वर्क करेगा और रेनफोर्समेंट स्टील का जो ट्रांसमिशन है टेंशन के लिए वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो इस तरीके से अनवांटेड स्ट्रेस को भी आपका कपलर इलिमिनेट करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट स्टील की कॉस्ट सेविंग की। अब ज़्यादातर के केस में देखा गया है कि जिन भी प्रोजेक्ट्स पर ट्रेडिशनल लैपिंग होती है तो खास करके कॉलम्स के बार में ये स्टैगरिंग की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अनवांटेड जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है।
तो ऐसे में क्या होता है कि चीजें हमारी प्रॉपर टेक्निकली मेंटेन भी नहीं हो पाती हैं और वेस्ट भी जनरेट होता है। लेकिन कपलर के केस में हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं क्योंकि इसमें आपके एंड टू एंड ज्वाइंट हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसमें आपकी दो तरीके से सेविंग होती है। जैसे कि आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। उसकी हाइट एक ऑन एन एवरेज जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपकी 3 मीटर से 100 mm प्लस माइनस हो सकती है, 3 मीटर के आसपास है, ठीक है। और वहीं आपकी जो रिटेल या कॉमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, इनकी हाइट 4 से 4.5 मीटर के आसपास होती है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लीजिए 3 मीटर की मेरी फ्लोर की हाइट है, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, ये मेरी 3 मीटर हाइट है। तो ऐसे में जो रेनफोर्समेंट स्टील में अगर मान लीजिए मुझे कपलर के थ्रू इसमें देना है, मान लीजिए जो भी हमें जॉइंट देने हैं, तो हमारी बार आती है कितनी आती है 12 मीटर की। 12 मीटर को मैं क्या करूँगा, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा। तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अब इसके बाद में एक बार और है, मान लीजिए अब हमें जब हमें कपलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ हमें एंड टू एंड जॉइंट प्रोवाइड करने हैं, तो इसके मेरे पोर्शन हो जाते हैं 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। अब इसकी पोजीशनिंग जब आप करोगे, मान लीजिए कोई बार मेरा यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा मान लीजिए 3 मीटर का। अब जब ये 4 मीटर वाला बार जो आएगा, ये ऑटोमेटिक इसके ठीक 1 मीटर के ऊपर जाएगा। यानी कि सिर्फ एक जगह हमें स्टैगरिंग करने की ज़रूरत है, बाकी बाद में यानी कि उसके बाद में हमारे जितने भी बार्स कंटिन्यूटी में चलेंगे, यानी कि ये 3 मीटर का बार हो गया, ये 4 मीटर का हो गया, फिर कंटिन्यूटी में एंड टू एंड, तो यहाँ पर आप जीरो वेस्टेज भी ले सकते हो। वहीं मान लीजिए आपकी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि जो आपके ये बार्स हैं, इनको आप 4-4 मीटर के केस में तो रखिए, यानी कि कॉमर्शियल के जब आपकी हाइट 4 से 4.5 मीटर के बीच में जा रही है, तो 4-4 मीटर के 3 बार और ये आपके 6 मीटर के 2 बार, तो यहाँ पर भी आपकी जो वेस्टेज है वो जीरो है और एंड टू एंड जॉइंट कनेक्ट होंगे। यानी कि इस तरीके से आप जीरो वेस्ट पर कहीं पर भी, यानी कि किसी भी सेक्शन पर आप कपलिंग देकर, यानी कपलर को यूज करके बार्स को यूज में ले सकते हो। दूसरा पॉइंट होता है कि मान लीजिए हमारा डाया चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एक डिफरेंशियल वेट होता है ना, उसकी भी सेविंग होती है। वो कैसे? अब मान लीजिए ये मेरा बार है नीचे का, मान लीजिए ये 25 mm डाया का है, ये वाला भी हमारा 25 mm डाया का है, और यहाँ पर ये बार हमें यहाँ ऊपर से मान लीजिए ये हमारा लैप करना है, हमें ये हमारा 20 का है, ठीक है, ये भी हमारा 20 डाया का है। तो ऐसे में जो ये जोन है हमारा, तो इस जोन को क्रॉस करने के बाद में फिर जो हमारा 25 mm डाया जो है, जो कर्टेल हो रहा है या जो टर्मिनेट हो रहा है, वो कहीं यहाँ कहीं हो रहा है, यहाँ कहीं। तो यहाँ पर ये लैप लेंथ तो हमारी एड ऑन जा ही रही है। इसके बाद में जो भी हमारी ये वाली जो डिस्टेंस होती है, लगभग 600 mm होती है, कहीं पर 700 होती है, कहीं 800 होती है, वो डिपेंड करता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला भी जो ये डिफरेंशियल वेट है, तो ये कपलर वाले केस में आप सेव कर सकते हो। अगर आप चाहो इसको रिड्यूस करना है, आपके जो रिड्यूसर होते हैं कपलर जैसा ही होता है, उसको आप यहाँ पर भी एंड टू एंड यूज करके इनके बीच का डिफरेंस 300 mm में लेकर आपको ये डिफरेंशियल वेट भी इसमें सेव किया जा सकता है। दूसरा, जब आप लैपिंग करते हो, यानी कि जहाँ पर भी आपकी इस तरीके से जो लैपिंग होती है, तो यहाँ पर रिंग्स को भी 100 mm के आसपास प्रोवाइड कराना होता है, तो ये इन एडिशनल स्ट्रिप्स को भी आप रिड्यूस कर सकते हो कॉस्ट में। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ, ज़्यादातर के केस में जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस में देखा है, कॉलम के केस में अगर मैं कपलर के साथ जाता हूँ, जिसमें सारे ये एंड टू एंड चीज़ें जो जॉइंट हैं अगर वो फॉलो होते हैं, तो रेनफोर्समेंट स्टील में 12 से 15% के आसपास की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जो भी आपके मेन वर्टिकल बार्स हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे हमें स्टैगर करना है और कहां पर कैसे यूज करना है। लेकिन हमारा IS 13920 ये कहता है कि अगर आप कपलर यूज कर रहे हो, जिसका एंड टू एंड जो कि थ्रेड पर ही सारा डिपेंड है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो भी उसको लोड लेना है, तो ऐसे में किसी भी सेक्शन पर आप, यानी कि अगर मान लीजिए सिमिलर बार हैं दोनों, नीचे के फ्लोर के ऊपर के, तो आप किसी भी सेक्शन पर कहीं पर भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कपलर को यूज करने के आपके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर की जो परफॉर्मेंस है, आपकी कॉस्ट है, और साइट पर भी जो
काम होता है यानी कि जो वर्कमैनशिप है उसको भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। रेनफोर्समेंट स्टील के कंजेशन के कम होने की वजह से आपकी जो कंक्रीट की पोरिंग होती है तो उसमें हनी कॉम्बिंग वगैरह आने के ज़्यादा मतलब कम चांसेस रहते हैं और उससे आपकी जो क्वालिटी है कॉन्क्रीट की वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।